हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यस बैंक के वीडियो में। यस बैंक में मचा आज खरीदारी का बवंडर। और आपको बताया गया था यस बैंक के बारे में कि यस बैंक दोस्तों आपको 13 पॉइंट जैसे ही अगर वो 80 ब्रेक करता है यस बैंक, और आपको यस बैंक नीचे आपको 13.50 के आपको लेवल दिखाएगा और 13.30 के बीच में आज लेवल दिखाएं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 13.80 के पश्चात यस बैंक गिरेगा। और आपको 14 से इसको करंट भी बता रखा था कि 14 से इसको करंट से कल मैंने बाय बताया था, इसको बाय करके चल सकते हैं। 13.80 से भले ही गिरेगा, लेकिन इसका स्टॉप लॉस मैंने 11 बताया था वो सटीक स्टॉप लॉस 3 रुपये का स्टॉप लॉस और 6 रुपये का टारगेट। आप पहले ही टारगेट 6 रुपये का, यानी कि इसके स्टॉप लॉस के दुगने टारगेट आपको मैंने कल बताए थे। तो आपने देखा 13.80 ब्रेक करने के पश्चात भी नीचे आया, 13.30 तक आया और वापस से देख सकते 13.80 पे वापस से लौट चुका है। 13.75 का हाई लगा है इसने, हाई पे इसने क्लोजिंग दी है। और इसमें कल यस बैंक में और आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो कैंडल बनी है फ्लाई कैंडल बनी है, डोजी फ्लाई कैंडल है और बिना कलर की कैंडल बनी है जो साफ इशारा कर रही है यस बैंक में कल तेज़ी के लिए इशारा कर रही है। आज की अगर ट्रेडिंग यहाँ पे बात करें यस बैंक में, तो डिलीवरी भी इसमें गजब की उठाई गई है, जमकर इसमें डिलीवरी उठाई गई है। 14 करोड़ 21 लाख की यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है, जो कि अचानक इसमें हाई वॉल्यूम देखने को मिला है काफ़ी दिनों के पश्चात। इसमें देख सकते हैं 5.5 करोड़ शेयर डिलीवरी में चले गए हैं और लगभग 29% शेयर डिलीवरी में चले गए हैं, यानी कि लोग वापस से यस बैंक में खरीदारी के लिए तैयार हो गए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। चलिए यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पे अपन चलते हैं और वहाँ पे अपन देखते हैं कि यस बैंक क्या रंग लग रहा है टेक्निकल चार्ट पे। जरा यस बैंक का टेक्निकल चार्ट अपन निकाल लेते हैं। ये दोस्तों आपके लिए मैंने यस बैंक का टेक्निकल चार्ट लगाया है, इसको मैं रोटेट पर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए और अच्छे से। ये मैंने इसको रोटेट भी ले लिया है ताकि फुल स्क्रीन पे आपको समझ में आए। यस बैंक का टेक्निकल चार्ट आपके सामने देख सकते हैं, यस बैंक किस प्रकार यहाँ पे ग्राउट आई है। यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल के साथ 11 रुपये का इसने सपोर्ट लिया था, वहाँ से 17 रुपये की इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। यू पैटर्न इसने बनाया था, वो सिलसिला आपको पता है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसने बनाया था। उसके पश्चात ये यहाँ पे उलझा हुआ था, आपको मैंने बताया था कि रेंज में फंस चुका है 15 और 13.80 के बीच में। अगर 13.80 ब्रेक होता है यस बैंक नीचे भागेगा और लगभग 13.5 और 13.30 के टारगेट दिखाएगा। तो आज की 13.30 की लोअर सर्किट थी और वहां तक यस बैंक गया, लोअर सर्किट भी इसने लगाई आज, लेकिन लोअर सर्किट पे नहीं रुका, वापस देखो इसने बाउंस पिक लिया। तो इसलिए मैंने आपको बता रखा था कि 13.80 के पश्चात भले ही यस बैंक आपको गिरता हुआ दिखाई दे 13.80 के पश्चात, लेकिन ये 11 का स्टॉप लॉस हिट करने में इसको काफ़ी दिक्कत आएगी और आप इसको 3 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने कल बताया 14 इसको बाय कर सकते हैं। 13.80 ब्रेक करे तो भी आप इसको डरना नहीं है, आप इसमें 11 का स्टॉप लॉस लेके 20 रुपये के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। तो यस बैंक वापस 13.30 को ब्रेक करती ही वापस देख सकते 13.80 के आसपास, यानी कि 13.75 का इसने हाई लगा लिया है और हाई पे इसने क्लोजिंग दी है। और मेन मजे वाली बात दोस्तों ये है कि इसमें आज लोग लास्ट समय तक इसमें खरीदारी के लिए तरस रहे हैं। और ये देख सकते हैं इसकी जो आज की जो कैंडल बनी है, यानी कि डोजी फ्लाई कैंडल बनी है, और अभी जो एक्सेल ने जो क्लोजिंग निकाली है, यानी कि वो निकाली 13.65 की, और लास्ट जो कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग दी थी इसने 13.70, यानी कि बिना कलर की यहाँ पे ये कैंडल बनी है। तो इस कैंडल का यानी हाई ब्रेक होते ध्यान देंगे अगर कल, यानी कि अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 13.75 ब्रेक होते ही यस बैंक कल आपके लिए तेजी के लिए तैयार है। और पहला टारगेट इसका 14 का होगा, उसके पश्चात की जो अपर सर्किट होगी 14 पॉइंट, यानी कि 30 जो भी होगी अपर सर्किट का यस बैंक लगा सकता है आपको, लेकिन पहला टारगेट इसका 14 का होगा यस बैंक के लिए अगर 13.75 यस बैंक ब्रेक करता है। यानी कुल मिला के अगर मैं आप बात करूँ इस कैंडल की, जो इस कैंडल का जो हाई है वो 13.75 है, इसको ब्रेक करने के पश्चात यस बैंक यहाँ आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए आज के काम के लिए अपन चलते हैं और कल के काम को भी आपको मैं दिखा देता हूँ कल, क्योंकि कल मैं आपको काम दिखा नहीं पाया था दोस्तों। एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था और आइडिया गया, उसमें मैं जल्दबाजी में काम नहीं दिखा पाया। तो कल का काम और आज का काम आपको लिए बता देता हूं मैं। आज भी किसी कॉल में कोई स्टॉप लॉस नहीं है और गजब का यहाँ पे आपको धमाका मिला, देख सकते हैं इंफ्राटेल टारगेट सक्सेसफुल, और यहाँ देख सकते जील का टारगेट सक्सेसफुल, और इंफ्राटेल बाय टारगेट सक्सेसफुल, इंफ्राटेल सेल टारगेट सक्सेसफुल, HDFC टारगेट सक्सेसफुल। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों पर अगर अपन चलें यहाँ पे इसके अलावा और ऊपर चलते हैं, जो कल के काम को भी आपको मैं बता दूं, इंफ्राटेल कल का काम भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं कल भी यानी आपको टुडे, यानी कि ऑल कॉल टारगेट सक्सेसफुल, वेरी बिग प्रॉफिट, कल भी आपको कोई स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिला। ICICI बैंक टारगेट सक्सेसफुल, जील टारगेट सक्सेसफुल, सन फार्मा टारगेट सक्सेसफुल, और कॉल एक्टिव नहीं है, और कोई कॉल एग्जिट भी यहाँ पे आपको देखने को मिली है कल। ये देख सकते हैं कल का यहाँ पे सर आपको मैंने दिखा दिया है, सन फार्मा, जील, टाटा मोटर आपको एग्जिट करना पड़ा, यानी कि एक्टिव नहीं हुआ था, और जो भी HDFC बैंक सब टारगेट सक्सेसफुल है। यही बात दोस्तों अगर मैं आपको ऑप्शन ग्रुप में बताऊँ तो ऑप्शन ग्रुप में भी आप देख सकते हैं आज ऑप्शन ग्रुप में धमाका देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ग्रुप में भी ऑल टारगेट सक्सेसफुल, ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी ग्रुप में,
ऑल टारगेट बैंक निफ्टी ग्रुप में सक्सेसफुल, जिसका आपको मैं नज़र आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट। ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी टू डे, और ये देख सकते हैं आपको कल बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉप लॉस तो आपको देखने को मिला था और लॉस भी आपको देखने को मिला था। ये आपको मैंने लिखा था कल बैंक निफ्टी ग्रुप में आपको लॉस देखने को मिला है, लेकिन आपको ये अब मैंने कल ही लिख दिया था कि टुमारो आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी ग्रुप। और ये देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से आपको रिकवर हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल आपको स्टॉप लॉस देखने को मिला था और उसमें लॉस हो गया था। एक टारगेट आपको आया भी था बैंक निफ्टी का और जो निफ्टी का, तो स्टॉप लॉस लगा था, इस वजह से आपको यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा था। तो वहाँ पे मैंने लिख भी दिया था टुमारो रिकवर आपको करा दिया जाएगा, और देख सकते हैं अच्छी तरह से रिकवरी। बैंक निफ्टी सेल करंट से सेल 22,330 से सेल किया था, 22,100 का टारगेट पूरा कंप्लीट यहाँ पे किया है। निफ्टी सेल करंट से सेल 22,260 यहाँ पे करंट से सेल, और 11,180 पूरे टारगेट यहाँ पे कंप्लीट। तो आपका पूरा अच्छी तरह से रिकवर यहाँ पे हुआ है, बल्कि प्रॉफिट में और आ गए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका कभी कभार मैंने कहा था महीने में कभी कभार आपको लॉस का सामना देखने को मिलता है, यानी कभी कभार ऑप्शन ग्रुप में भी आप देख सकते हैं बड़ा धमाका आपको देखने को मिला ऑप्शन ग्रुप के अंदर भी। ऑल टारगेट सक्सेसफुल वेरी बिग प्रॉफिट आपको ऑप्शन ग्रुप में देखने को मिला है। तो ऑप्शन ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप में कौन कौन से खोल गए थे टुडे, यहाँ देख सकते हैं टुडे जील टारगेट सक्सेसफुल, इन्फ्राटेल आपका यहाँ पे कोली टारगेट इन्फ्राटेल आपका एक्टिव नहीं हुआ है यहाँ पे, HDFC बैंक टारगेट सक्सेसफुल, यानी कि आपके यहाँ पे तीन कॉल में से दो कॉल एक्टिव हुए हैं और दोनों टारगेट सक्सेसफुल आपको देखने को मिले हैं, और बिग प्रॉफिट आप यहाँ पे लेके गए हैं तीनों ग्रुप में। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जबर जो भी सजन दोस्तों इंटरेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी कि मंथ में आपको कभी कभार सिर्फ एक दो दिन लॉस का सामना करना पड़ता है, और आपने देखा नेक्स्ट डे वो एक दो दिन का लॉस भी आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे SS मार्केट न्यूज के ग्रुप पर, और ओवरऑल पूरे मंथ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बिग प्रॉफिट में भी निकल के आ रहा है। तो मात्र कितनी सी छोटी सी गाइडलाइंस तक आप अपने ब्रोकर को डेली का ब्रोकरेज चार्ज देते हैं, पूरे महीने देते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक दिन का ब्रोकरेज चार्ज की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, और आप पा सकते हैं दोस्तों ग्रुप के साथ बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।